नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी में विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद से ही सपा में उथल पुथल मची हुई है। लगता है समाजवादी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कभी गठबंधन में खींचतान दिखता है तो कभी पार्टी में, यहां तक कि आपस में ही नेता एक दूसरे की पोल खोलते नजर आते हैं। एक तरफ शिवपाल को लेकर अखिलेश उलझे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल के बाद अब आजम खान की ओर से भी विद्रोह होता दिख रहा है। खबरें हैं कि आजम खान ओवैसी के साथ जा सकते हैं, तो क्या कुछ है इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। लगता है इन दिनों अखिलेश यादव के दिन अच्छे नहीं चल रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी, ओपी राजभर और अपने चाचा शिवपाल यादव को साथ लेकर उतरने वाले अखिलेश यादव हार के बाद अकेले पड़ते दिख रहे हैं। एक तरफ चाचा शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही हैं और वो सपा की मीटिंग में ना बुलाए जाने को लेकर काफी नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान का खेमा भी नाराज बताया जा रहा है। आजम खान सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी भी। लंबे समय से वो कई मामलों में जेल में बंद हैं और उनके समर्थक अब खुलेआम नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रामपुर में सपा के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने तो सीधे अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को जब जेल भेजा गया और उनकी संपत्तियां जब्त की गई तो अखिलेश यादव चुप बैठे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सपा ने 111 सीटें मुसलमानों के ही वोटों से जीती है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह को राज्य का सीएम बनाने में मुस्लिम वोटर्स का ही बड़ा योगदान रहा है। ये पहला मौका था जब आजम खान के खेमे की ओर से इस तरह अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ कहा गया हो। इसके बाद से ही कयास लगाया जा रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा उनकी एक अलग पार्टी बनाने की भी चर्चाएं काफी चल रही हैं। इसी बीच खबरें ये भी सामने आ रही है कि आजम खान ओवैसी के साथ जा सकते हैं, यानी AIMIM पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। अब इसी को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने तो एक बयान देते हुए कह दिया कि अगर आजम खान उनकी पार्टी में आना चाहे तो उनका स्वागत है, उनके लिए वो अपनी जगह देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आजम खान साहब आना चाहते हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनके पैरों के पास बैठेंगे, वो हमारी कुर्सी पर बैठे। तो खुले तौर से आजम खान के लिए ओवैसी की पार्टी में दरवाजा खुला है। इतना ही नहीं, शौकत अली ने तो ये तक कह दिया कि जो बात आजम खान के सहयोगी उठा रहे हैं, ये बातें असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में लगातार कह रहे थे। अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट की जरूरत है, मुसलमान और उसके नेताओं की नहीं। उन्होंने कहा कि वोट मुस्लिम देंगे और फायदा मुलायम सिंह के परिवार उठाएंगे। तो लगता है बहुत जल्द आजम खान को बड़ा झटका लगने वाला है। एक तरफ शिवपाल की नाराजगी तो दूसरी तरफ आजम खान नाराज। ऐसे में सवाल ये है कि अखिलेश यादव के खिलाफ इस तरह की बगावत होने की वजह क्या है। दरअसल समाजवादी पार्टी की यूपी चुनाव में करारी हार ने एक तरफ गठबंधन के साथियों में मतभेद पैदा कर दिए तो वहीं पार्टी में भी अंदरखाने बागी सुर उभरने लगे हैं। अब देखना होगा ये नाराज नेता अखिलेश के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।